घटना की आप जिक्र कर रहे हैं वो पालघर के कासा क्षेत्र में हुई है, पुलिस थाने के अंतर्गत, और बहुत ही अमानवीय घटना, बहुत ही एक जिसको बोलते हैं ना कि एक लोकतंत्र पे कुठाराघात, और बहुत दुर्दैव से ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक ऐसी घटना को अंजाम दिया है वो बहुत ही, मैं उसका निषेध करता हूँ। और जिस तरह से 17 तारीख की शाम को कुछ साधु कांदिवली से अपने सूरत में अपने गुरु के अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे, ऐसे निरपराध साधुओं को वो जा रहे थे अपने जो अहमदाबाद मुंबई हाईवे को पकड़ के, लेकिन पुलिस का कुछ कोरोना की वजह से काफ़ी पुलिस भी रोड पर है और सभी को कोरोना के हिसाब से उनका भी ड्यूटी वो दे रहे हैं, अंजाम दे रहे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने उससे बचने के लिए उन्होंने शॉर्टकट जो रास्ता अपनाया और पालघर के रास्ते से वो अपने जो शीशोर के एक रास्ता होता है वहाँ से वो लोग जाने लगे और 200-300 लोगों की भीड़ ने उनको रोका। और ये जब रोका तब ऐसे 2-3 दिनों से वहाँ पे इस तरह का रूमर्स चल रहा था कि कोई किडनी चोर आ रहा है, कोई चोर करने आ रहे हैं, चोरी करने आ रहे, और उनको उस भीड़ ने पकड़ करके और बुरी तरह से उसको, गाड़ी उनकी थी, वो इको गाड़ी से जा रहे थे, मारुति कार की इको थी, और उसमें से उसको गाड़ी को उन्होंने पलटी कर दी। और उस भीड़ ने 200-300 की भीड़ ने बहुत बुरी तरह से, जिसको हम लोकतंत्र के अंदर में जिसको हम बहुत शर्मनाक घटना हम कह सकते हैं कि साधुओं पे इस तरह का, क्योंकि उनके कपड़े भी साधुओं के थे, एक 70 साल के कल्पवृक्ष गिरी थे उसके अंदर में, एक 35 साल के सुशील कुमार गिरी जी थे और उनका ड्राइवर तलवड़े, ऐसे तीन लोग थे जो 35 साल के दो थे और 70 साल के इतने बुजुर्ग को जिनके पास में उनके पास में सब था, बता रहे थे कि हमारे जो गुरु हैं जो जिसके हमने शिक्षा दीक्षा ली, ऐसे गुरु का सूरत में जब देहांत हुआ हम उसके लिए जा रहे, उसके बावजूद भी उस भीड़ ने कोई सुना नहीं। और जब वहाँ पर पुलिस तंत्र आया और किसी फॉरेस्ट ऑफिसर ने उनको देखा कि इस तरह से वहाँ पे पीट रहे, और जब पुलिस तंत्र ने देखा और वो फॉरेस्ट वाले ऑफिसर ने पुलिस को देखा, पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस के सामने भी जब पुलिस ने उनको रेस्क्यू किया, उनके सामने भी उस वक्त पे भीड़ ने जब उनको अधमरा करके छोड़ा, तीनों जो दो साधु और उस व्यक्ति को, उसके बावजूद भी पुलिस की गाड़ी में से खींच करके उनको निर्मम तरीके से उनकी हत्या की, एक जघन्य हत्याकांड के तौर पे महाराष्ट्र के अंदर में बहुत शर्मनाक